तो दोस्तों आज है एकादशी। आप सभी को जो भी मेरी बहनें एकादशी का व्रत रखते हैं, आंटी लोग जो भी मुझसे जुड़े हैं, आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए नाश्ते में पूड़ी और चने की सब्जी। और इसके बाद मुझे जाना है आज कहीं और, तो आप मेरे साथ बने रहें। अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ। मैं नहीं करूँगी, मेरा आज फास्ट है, तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ अभी पूड़ियाँ। और अभी सुबह का टाइम हो गया है, 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। पूरी बनाती हूँ और उसके बाद फिर निकलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चने की सब्जी मैंने बना दी है बच्चों के लिए। विष्णु भगवान और पास लक्ष्मी बन गए नहीं। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ घर, और घर आके बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। अभी बच्चे भूखे हैं तो उनके लिए रोटी बना रही हूँ। यहाँ पर देखो, आप सुबह मैंने पूड़ी बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था, और अभी बना रही हूँ उनके लिए रोटी। और चने की सब्जी बचा के रखी है, वही खाएंगे अभी। तो अभी फटाफट रोटी बनाती हूँ, उनको खिलाती हूँ, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। उसके बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी। तो दोस्तों बच्चों को खाना खिला दिया है, और मैं अभी पी रही हूँ दूध। तो यहाँ पर मैं दूध लेके आई हूँ अपने लिए, और एक गिलास दूध लाई हूँ, मिश्री लाई हूँ, तो मिश्री के साथ दूध पीऊँगी। अपने माधव को भी पिला दिया मैंने दूध। ये बैठे हैं, ये यहाँ पर बैठे हैं, देखो इसकी आवाज़ बंद कर। तो आते वक्त मैं केले भी लेके आई हूँ, और आज मैं गई थी स्कूल, और उसके बाद मैं मायके चले गई थी अपने, और वहाँ बैठी बहुत देर, 3 घंटा कम से कम वहाँ पर बैठी। लेकिन वहाँ का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा उदास हूँ। उदास किस लिए हूँ, मेरा बेटा भी पूछ रहा कि उदास किस लिए हो मम्मी करके, ये भी पूछने में लगा हुआ है। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसके नाक में फोड़ा हो रहा। दिखा वो, दिखा इधर को, दिखा दे। तो ये दिखा नहीं रहा, इसके नाक में बहुत बड़ा फोड़ा हो रहा है, यहाँ पर पूरी नाक लाल हो रखी है, 2 दिन से स्कूल नहीं गया है। घर आके फिर मैंने खाना वाना बनाया, बच्चों को खिला दिया। मैं पी रही हूँ दूध, आज व्रत है एकादशी का। और उदास किस लिए हूँ वो आपको बताती हूँ, कि मेरी ईजा की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बीमार हो रही ईजा मेरी, और इसलिए उदास हूँ। इसलिए उदास हूँ कि मतलब ईजा की तबीयत ख़राब हो रही है, बाबू की भी तबीयत कुछ खास नहीं है, और तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई वहाँ की, मन भी नहीं करा मेरा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बुरा लगा है मुझे। और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरी मम्मी पहाड़ में रहती है, तो भाभी और दादा लोग, भाई लोग गए हैं पहाड़ मम्मी को दिखाने के लिए। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और मेरा बड़ा भाई है, उसको भी चोट लगी है। बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे बोल ले रही हूँ, लेकिन उनके बारे में जब बता रहे हो तो मुझे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है। तो इस वजह से जो है मन जो है बहुत ख़राब है। ये है, आज बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया यहाँ के। तो उसके बाद घर आके बच्चों को खाना वाना खिला दिया है, और अभी मैं पी रही हूँ दूध। तो आप बने रहना, और जाना मत कहीं मेरे ब्लॉग में, जाना मत, नहीं तो आपको मैं खींच के ले आऊँगी। मेरे ब्लॉग में बने रहना। तो मैं कह रही हूँ कि मतलब जो अपने माँ बाप होते हैं ना, वो कहीं नहीं मिलते। नीलू क्या मिला है मंदिर से? बिस्किट और बूंदी। बूंदी? बूंदी कहाँ दिखा? और बिस्किट? चाय के साथ खा रही तू ये?
मुझे किस चाय तो फेंकी हुई है मैं जानता हूं पानी के साथ खा रही है साथ ही है ना मनाऊं तो कभी दूध की है सुबह के चाहिए अच्छा तो दूध को तुम कभी कॉफी बना के पी ले रहे हो कभी तुम चाय बना के पी ले रहे हो दूध को तुम ऐसे खत्म कर दे रहे हो कभी बिल्ली को दे रहे हो बिल्ली ऐसे गिरा दे रही है क्या मिला दिखा तो मंदिर से बिस्किट और बूंदी कहाँ तेरी है कहाँ है बूंदी कहाँ है पेट में डाल दी अच्छा तो दोस्तों अभी हो गया है शाम का 8 बजे का टाइम 8 बजने वाले हैं आप देख सकते हैं ऊपर घड़ी में अगर आपको दिख रही होगी तो 7:45 हो गया है तो 7:45 का टाइम हो गया और दिया बत्ती भी कर लिया है मंदिर में भजन भी कर लिए हैं बच्चे भी प्रसाद लेके आ गए हैं दोबारा जाके आवाज़ ही मेरी बैठ गई है भजन गाने से तो अभी करती हूँ खाना बनाने की तैयारी बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी मैं तो आज फलाहार ही लेती हूँ फलाहार व्रत तो मैं अपने लिए आलू बनाऊँगी आलू उबाल के रख दिए मैंने और ये देखिए यहाँ पर मैंने आलू उबाल के रखे हैं इनको मैं बनाऊँगी खाली हरी मिर्च और हल्दी वगैरह डाल के बाकी इसमें नमक नहीं पड़ता है तो हरी मिर्च और हल्दी डालती हूँ बस हो गया थोड़ा कलर के लिए बाकी और कुछ नहीं डालती हूँ तो ये डाल के मैं अपने लिए बनाऊँगी आलू फ्राई घी में जीरा डाल के और बच्चों के लिए सब्जी 3 बार खा लिए इन्हें आज सुबह कल शाम आज सुबह जी वो इन्हें आज 3 बार खा ली है सुबह भी खाई दिन में भी खाई और अभी भी ये वही सब्जी खाने वाले हैं इतनी सारी सब्जी है देखो तो इनको मैं चने की सब्जी के साथ खिलाऊंगी रोटी या पराठे पूड़ी जो भी खाएंगे तो वो इनको खिलाऊंगी और अपने लिए बनाऊंगी आलू और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज इतना थकान हो रहा मुझे क्योंकि सुबह आपको पता है मैं वहाँ चली गई थी और उसके बाद फिर घर का इनका खाना बनाना सभी काम होते हैं क्या बताएं मैं आपको क्या बताऊं बहुत सारे काम हैं उसके बाद मैं चले गई मंदिर 4:30 बजे मंदिर गई और वहां से आई मैं 7 बजे मंदिर से तो मंदिर में खूब कीर्तन भजन करते हैं हम लोग तो आधी एनर्जी वैसी डाउन हो जाती है तो घर आके फिर बच्चों का खाना पीने का कर रही हूँ दिया बत्ती कर लिया है और बनाते उनके लिए खाना और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी आई होप आपको बहुत पसंद आए और अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं क्लीनिंग वीडियो या व्लॉग वाली वीडियो तो आप मैसेज कीजिए किया कीजिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए बहुत सारे और शेयर कीजिए वीडियो को पसंद आए तो और मिलती हूँ कोई अच्छी सी वीडियो के साथ कल तब तक के लिए बाय बाय।